जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप ये फूल लिए मंदिर में काहे खड़े हैंगे, चढ़ाते काहे नहीं हैंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। लल्लन जी, हम कह रहे हैं फूल चढ़ाइए और पूजा कीजिए। आप चढ़ाते हैं लल्लन जी। लल्लन जी एक बात बताइए कि आपको अचानक ऐसे पूजा करने की क्या जरूरत आ गई? भाई पहले तो कभी ऐसे पूजा करते हमने देखा नहीं। वैसे पूजा तो पिताजी किया करते थे और अर्चना भी और आरती भी, भाई क्या आनंद आता था, बात थी पिताजी में। लेकिन ये बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं? काहे हम पूजा नहीं कर सकते हैं का है? हमारा मन किया इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, और हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में बताए दे रहे। हाँ नहीं तो। अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। मामा के पूछने का मतलब ये हैंगे कि आप अभी अभी गणपति जी की आरती करके आए हैंगे और अब आप यहाँ प्रार्थना करने आए हैंगे, तो ऐसी कौन सी बात हुई हैंगी जिसके लिए आपको सब भगवान के घर जाना पड़ रहा हैंगे? का है कि वो हम कह नहीं सकते हैं, वो हमारा निजी मामला है। अरे लल्लन जी बताइए ना, बता दीजिए, बताइए। हमें पता है क्या बात है। अच्छा तो बताओ। आप चमेली के बारे में सोच रहे हो? हैं? हाँ मामा, हम चमेली के बारे में ही सोच रहे हैं। अब देखो ना, पिछले ही साल इतनी धूम धाम से उसकी शादी की और बेचारी फिर से विधवा हो गई। उसकी तकलीफ कम हो सके इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर तो उसके पति का है। जब उसको पता था कि उसका पहला पति उसके हाथ की बनी हुई चाय पी के दुनिया से विदा हो गया, तो उसको क्या जरूरत थी चमेली के हाथ की बनी हुई चाय पीने की? हा? वैसे चाय तो पिताजी पिया करते थे, वो भी एक दिन में 168 कप। क्या मामा, क्या बकवास कर रहे हो? अब चमेली के बारे में आप... हाँ अब देखो ना, दूर की ही सही पर है तो हमारी ही बहन ना, इसलिए दुख तो होता ही है। हाँ हाँ, दुख होता है, बहुत दुख होता है, हमें भी दुख होता है, दुख दुख के दुख होता है। हमने तो जब से ये खबर सुनी है बस तब से हमें चमेली की याद मतलब चमेली की चिंता सता रही है। भाई हमारे तो दिल का गेंदा और गुलाब दोनों मुरझा गए हैं। लल्लन जी आप हमसे वादा कीजिए कि जैसे ही आपको समय मिलेगा आप चमेली के गांव जाएंगे और उसको लापतागंज लेके आएंगे ताकि हमारा दिल बहल सके। मतलब चमेली का दिल बहल सके। अब बताइए जाएंगे ना? बोलिए, बताइए, फूटिए, बताइए, बताइए। देखिए आपको हमारी कसम, आपको हमारे महान पिताजी की कसम। मामा तुम कहे इतना बौरा रहे हो? अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप कमाल करते हैंगे। आपकी बहन हम सबकी बहन हैंगी, हमारा मतलब हम सबको उसकी चिंता हैंगी। इसीलिए मामा ही नहीं, हम सब लोग चाहते हैंगे कि आप उसको यहाँ ले आए ताकि हम उसका मन बहला सके, उसका दुख बांट सके। हाँ एलिजा, हम खुद ही यही सोच रहे थे कि जाके चमेली को ले आए कुछ दिनों के लिए लापतागंज। हाँ हाँ, चलते हैं। मामा हाँ, ये अच्छा हो गया हेंगे कि चमेली लापतागंज आ रही हेंगी, लेकिन फिलहाल हम दुकान जाते हेंगे क्योंकि दुकान में कोई नहीं हेंगे। हाँ? हाँ। चमेली शायद तुम्हारे लिए ये हमारा पवित्र प्रेमी है जो तुम्हारी चिंता हमें खाए जा रही है। अरे खाने से याद आया, कुछ खा लिया जाए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को इंस्पेक्टर बनने के लिए रिश्वत देते हुए, और वो भी इस गप्पू पांडे को जिसका काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना। सब सब गलती होगी साहब, सब हमें माफ कर दीजिए, हम क्या है कि वो लालच में आ गए थे साहब। अरे तुम्हारे इस लालच की खबर अगर अन्ना हजारी जी को लग गई ना, तो लोकपाल बिल की पहली कार्रवाई तुम दोनों पर होगी, और तुम यहाँ नहीं वहाँ गप्पू पांडे की जगह खड़े होगे।
और सलाखों के बाहर से सलाखों के अंदर प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा, समझे? नहीं साहब, माफ कर दीजिए साहब। अरे हम हवलदार जी के साथ। अरे गिरा हुए क्या भाई, उठो उठो। हमें खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुम्हें बिगाड़ने वाला अभी तक बिगड़ा हुआ है। ओ चलो उसे सुधार कराते। अम्मा कसम इंस्पेक्टर साहब, अन्ना हजारे जी ने यह भी कहा है कि हिंसा करना अधर्म है। पापा कसम पापा, हमारे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे वाह बेटे, क्या एंट्री मारी है धांसू, खुशी में निकल आए हैं आंसू। अच्छा अच्छा, चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं। देखो तुम दोनों बीच में मत आओ, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है दरोगा बाबू, रखिए अपने आप पे काबू और आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अरे वाह मेरे भौकाली बेटे, इसका मतलब है तू जमानत के कागज ले आया है। पापा कसम पापा, हम पे है लानत अगर हम ना करा पाए आपकी जमानत। इंस्पेक्टर साहब, ये है जमानत के कागज, अब आपको डीपली घुस के इनको छोड़ना ही पड़ेगा बाय लॉ। ये लीजिए। अरे वाह, जियो मेरे लाल, आज हमें गर्व है कि हमारा बेटा वकील है। ये सब तो ठीक है बीजी, लेकिन इन्होंने अब जो काम किया है वो माफी के काबिल नहीं है। इन्होंने इन हवलदारों से इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर रिश्वत ली है, लेकिन चूंकि हम लापतागंज की इज्जत करते हैं, उनके लोगों की इज्जत करते हैं, तो तुम्हारे इस काले कोट की इज्जत करते हैं, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लाइफ का पहला केस ही तुम हार जाओ। थैंक यू। ले जाओ इन्हें और इन्हें समझाओ कि ये हरकतें छोड़ दें, वरना हम भूल जाएंगे कि ये किसके बाप हैं और कहां रहते हैं, और इनको इतना बेइज्जत करेंगे कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और तुम्हारी इज्जत भी धूल में मिल जाएगी, समझे? ले जाओ, खोल दो इन्हें। ताला खोलो। देख गुड्डू, पापा कसम कितने बेशरम बाप हैं बे। अरे क्या बोल रहे हो, खोलो खोलो जल्दी खोलो, जमानत के पेपर आ गए हैं, हम जाएंगे। खोलो, यहाँ गुरु तुम बेकार में डर गए कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। अरे थोड़ी देर रुक जाते तो हम तुम्हें कमिश्नर बना देते। अरे आप आइए भाई, ऐसे पहले कोई और बवाल शुरू हो जाए। चलिए इधर आइए। अरे अरे रुकिए इधर। अरे साइन करने हैं भैया, बिना साइन करे कैसे चले आएंगे आप? तुम करोगे? आइए। अरे आइए। पापा आप डाक खाने क्यों जा रहे हैं? आज तो गणपति बापा का विसर्जन है। हमको पता है बेटा, एक जरूरी काम है, निपटा के आते हैं विसर्जन तक, ठीक है? पापा गणपति बापा को क्यों पानी में डुबोते हैं? डुबोते नहीं है बेटा, उनको विदा करते हैं, फिर हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह आप इस साल आए हैं वैसे जल्दी जल्दी अगले साल भी आए, है ना? मुकुंदी बाबू, आपकी चिट्ठी है। हमारी चिट्ठी? ये तो चमत्कार हो गया। अरे बेटा तुम्हारी अम्मा आ रही है, तुम्हारी अम्मा। अरे आनी जा। अरे तुम्हारी बहन आ रही है, तू
मुक्तिलाल। अरे इंदुमती आ रही है चौरसिया। अरे लल्लन जी तुम्हारी प्रिय साली आ रही है। अरे बिंदुमती, अरे जल्दी आ भाई, तुम्हारे जीजा बुला रहे हैं। अरे कहीं मुकुंदी बाबू की हालत गुड्डू जैसी तो नहीं हो गई है? हाँ इंदु दीदी मायके गई हैंगी, वो भी लड़ झगड़ के। भाई मायके तो पिताजी जाया करते थे। अब तो बताओ भैया क्या बात का है? अरे लल्लन जी तुम्हारी प्रिय साली और हमारी प्रिय पत्नी इंदुमती की चिट्ठी आई है। लिखा है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है, उसे जरा जरा सी बात पे अपनी अम्मा के नहीं जाना चाहिए, और उसने हमसे माफी भी मांगी है और लिखा है कि बहुत जल्दी वो वापिस आ रही है। अरे बा जीजा ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे साली किसकी है? सब गणपति बप्पा का चमत्कार है भाई, हमने उनसे यही तो विनती की थी जो उन्होंने पूरी कर दी। तो बोलो गणपति बप्पा। मुकंदी भैया आज सुबह ही पीसीओ पे हमारे भाई का फोन भी आया था, वो भी एकदम स्वस्थ हो गया है। ये सब गणेश जी महाराज की कृपा है। तो चलो सब लोग मिल के गणपति बाप्पा की आरती करते हैं। हाँ भाई पूजा का समय भी हो गया, आज हम गाएंगे गणेश स्तुति और इसी बात पर हम डाकखाने भी नहीं जाएंगे। गणपति बाप्पा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।